हमारा कोई राय नहीं है, वो हमारा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि सरकार का, हमारा कोई चर्चा भी नहीं है, कोई निर्णय भी नहीं है। कुतुब मीनार परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की खबर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मसले पर अब केंद्रीय संस्कृति मंत्री जीके रेड्डी ने बयान दिया है और सभी अफवाहों को मीडिया से बात करके क्लियर किया है। रेड्डी ने साफ कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो भी बाहर मीडिया में बहुत कुछ चलता है, मगर हमारा कल्चर डिपार्टमेंट के आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोई अभी तक कोई भी कोर्ट हमारे को कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए वो चर्चा करने का सवाल ही नहीं है हमारे तरफ से। तो सर खुदाई होगी या फिर नहीं होगी, हम वो चर्चा करने के लिए सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे में कोई निर्णय नहीं हुआ सरकार के द्वारा, कोई जजमेंट भी कोर्ट भी हमारे कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। हमारा कोई राय नहीं है, वो हमारा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि सरकार का, हमारा कोई चर्चा भी नहीं है, कोई निर्णय भी नहीं है। अलग अलग लोग में अलग अलग बात करते रहते हैं, मगर हमारे पास कोई निर्णय नहीं है, निर्णय लेने के बाद जरूर बताएंगे। केंद्रीय मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर अपील दायर की गई है। ये विवाद उस वक्त चर्चा में आया जब कुतुब मीनार परिसर के बाहर एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और स्मारक का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया था। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भगवान गोयल ने दावा किया, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है जिसे महान राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। परिसर में 27 मंदिर थे और उन्हें ऐबक ने नष्ट कर दिया था। इन सब के प्रमाण उपलब्ध हैं क्योंकि कुतुब मीनार परिसर में रखी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लोग देख सकते हैं। बता दें कि इससे पहले पूरे देश में जगह जगह मंदिर और मस्जिद का विवाद छिड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली स्थित कुतुब मीनार भी इस विवाद से अछूती नहीं रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के इस बयान के बाद सारी बातें अपने आप साफ हो गई हैं।